तो भाई लोग यार फिर से आ गया एक और बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल वाली आर्क सर्वाइवल इवोल्व की गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग सबसे पहले तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं माँ बनने वाली। नहीं देखो मैं माँ बनी बनने वाला, ठीक है मैं माँ कैसे बन सकता हूँ, नहीं बाप नहीं बनने वाला, ठीक है ब्याह नहीं हुआ मेरा। तो खैर खुशखबरी ये है कि भाई अपने चैनल, हम लोगों के पर्सनल चैनल गेमर हार्ट बीट पे अब कच्चे आ रहे हैं, कच्चे बोलते शॉर्ट्स। तो यार हमने ये चीज एक बार थोड़े दिन पहले भी ट्राई करी थी लेकिन उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब भाई रोज एक शॉर्ट आएगा करीब करीब। मतलब जैसे सैटरडे होता है, सैटरडे को वीडियो आते हो, सैटरडे को शॉर्ट नहीं आने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक आध दिन बीच में ना आए, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे भाई डेली शॉर्ट दे रहे हैं, ठीक है एक शॉर्ट डेली। तो यार अपना थोड़ा सा चैनल पे आंजान लगाए रखना क्योंकि डेली एक शॉर्ट मिलने वाला है और वीडियो तो आती रहेंगी हफ्ते की हफ्ते। और बात करें पिछली वाली वीडियो की, तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने जो भी यहाँ पे करना था इस इलाके में सब कर लिया था भाई। पुनार डायस पर पालतू बना लिया था, अपना क्या कहते हैं घर पूरा पत्थर का बना दिया था, इतनी सारी चीजें लगा थी अपने घर में, सब कर लिया था हमने करीब करीब। तो अभी इसलिए हम एक नई जगह में जाने वाले हैं, वहाँ जाके भाई एकदम बड़ी सी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। मतलब वहाँ पे सारी चीजें इंडस्ट्रियल लेवल की होंगी, इतने सारे भाई मेटल निकलेंगे वहाँ पे, बहुत मजा आने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर आज वाली वीडियो में तुम्हें मजा आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, ऐसा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है गेमर हार्ट बीट को, क्योंकि अब तो शॉर्ट भी आएंगे यार, डेली कंटेंट मिलेगा, सैटरडे को अपनी लंबी वीडियो और भाई बाकी दिन शॉर्ट्स, मजे आने वाले हैं फुल एकदम, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग। अभी क्या है, हम ऐसे ही नहीं जा सकते सीधे उठ के वहाँ पे अपना दूसरा घर बनाने, हमें क्या है यहाँ पे भाई हमारे पास सारी चीजें हैं भाई, फर्नेस हैं और फैब्रिकेटर वगैरह हैं, जिससे हम यहाँ पे तो चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए सेम काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे भाई हम थोड़े से रिसोर्स कलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी फाउंडेशन वगैरह बना के जब वहाँ जाएंगे, जिससे कि हम एक बेसिक सी इंडस्ट्री तो सेटअप कर ही दें, फिर सब अपग्रेड तो बाद में वहीं के रिसोर्सेज का यूज़ करके कर लेंगे। तो अभी मैं हाथ में मेटल पिक और इसमें मेटल निकालने वाला हूँ बहुत सारे। तो भाई लोग यार मैं अभी पत्थर फोड़ने आया हुआ था और यहाँ पे मैं आया था भाई पानी पीने, मुझे प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, भूख और प्यास, तो मैं पानी पीने आया था। और भाई यहाँ पे डायनासोर थे बहुत सारे, तो उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया और भाई जो अपनी डायनासोर है वो मर गई अभी। भाई मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरी जगह जाना है और उसके लिए मुझे डेनाइस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होगी। मैं जोन को भी लेकर चला जाता था लेकिन भाई उसका लेवल कम है अभी थोड़ा सा, अभी या तो मैं क्या करूँगा देखूँगा उसी का लेवल अप कराऊँगा, नहीं तो दूसरा कोई डेनाइस पालतू बनाऊँगा उड़ने वाला बड़ा सा। तो भाई मैं पता नहीं कहाँ पे खो भी गया था और भाई मैं बड़ी मुश्किल से आया यार वापस अपने घर। और भाई लोग मैं अगली बार ना खोऊँ इसलिए मैंने अभी GPS ही बना लिया, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये रहा भाई GPS, इस पर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं अपने जैसे कि 75.7 और 37.2, ठीक है भाई लोग। तो अभी अपने काफ़ी सारे काम चल रहे हैं साथ के साथ, एक तो यहाँ पे कैंप फायर में भाई जानवरों के लिए खाना वाना बन रहा है और जो भी खाना एक्स्ट्रा बचा है क्योंकि काफ़ी सारा शिकार कर रखा था मैंने, तो जो भी एक्स्ट्रा बचा है वो इन डब्बों में रख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो मेटल है वो पिंगल पिंगल के मेटल के इंगट बन रहे हैं, ठीक है भाई लोग। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले मर गया था और यहाँ गिरने की वजह से मरा था मैं, तो मैं क्या कहते हैं सामान वामान इकट्ठा कर रहा था और इसके ऊपर था नहीं मैं, तो इसलिए यहाँ गिर के मर गया था भाई। काफ़ी ऊंचा है अभी तो जो अपना उड़ने वाला बंदा है, तो इसलिए आराम से ग्लाइड करके आ गया। वो भाई मैं मर गया था तो मुझे क्या है टायर की वो स्किन भी मिल गई, तो एक काम करते हैं अपनी फीमेल टायर तो वैसे ही भाई रंगीन सी दिख रही है, अपने इस वाले टायर को भी उसके जैसा बना देते हैं, ठीक है भाई। तो जो मेल टायर है वो भी काफ़ी सही दिख रहा है अभी, ठीक है। तो भाई डेनाइस को तो अभी हम पालतू नहीं बना पाए, लेकिन ये टिंडसी के साथ के लिए हमने इसे टिंडी को पालतू बना लिया, इसका नाम मैंने टिंडी रखा है क्योंकि वो टिंडसी है तो उसका नाम टिंडी, ये उसी की फीमेल है, वो मेल है ये फीमेल है। और भाई इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, 116 लेवल है, 116 लेवल था जिस टाइम मैंने इसे पालतू बनाया था, अभी 165 लेवल है। ओ भाई सही है। एक ये भाई हमने जो सूंडरी बहुत टाइम पहले ही मर गया था अपना, उसे पालतू बना लिया। और भाई लोग अभी क्या है मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था, तो इसे मैंने फेस कैम हटा दिया, फ़ोन से चलाता हूँ मैं फेस कैम, तो फ़ोन की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो इसे मुझे फेस कैम हटाना पड़ा। ओह भाई अब आ गया मज़ा। तो भाई ये जो हिटलर जैसा आया ना ये फीमेल है, और हिटलर तो तुम्हें पता ही है अपना मेल है, उधर ही था जाना था ना मुझे। और मैंने भाई अभी अभी क्या है क्रॉसबो ही बना लिया, ठीक है भाई अभी हम बो चलाते थे अब क्रॉसबो चलाएंगे, ठीक है भाई। हमने इतना बड़ा हिटलर भी गिरा दिया और अभी पत्थर थे जो गेट थे वो सारे हटा दिए हमने, ठीक है भाई लोग इसको इसका खाना खिलाते हैं। और भाई ये भी पालतू, ठीक है इसका नाम रख देते हैं सुंडी, सुंडी वो सुंडरी ये सुंडी, ठीक है पालतू बन चुकी है, इसे छोड़ के आते हैं मस्त घर पे। और एक काम करता हूँ या फिर मैं इसे पीछा करने के लिए कह देता हूँ अपना। भाई हमने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली यार आज, तो मतलब ये मेटल की एक्स बना ली और ये भी मेटल की है भाई,
ये पहले लकड़ी की थी, अपने पास अब मेटल की है। तुम्हें लग रही होगी सेम टू सेम है, लेकिन इस पे मैंने स्किन लगा रखी है इसलिए लग रही है सेम टू सेम, नहीं तो वैसे मेटल की है हैच जो है। और भाई एक क्रॉसबो बना लिया हमने, जिससे अभी हमने हिटलर को पालतू बनाया था। ठीक है इसे अंदर रखते हैं। ओह भाई ऐसे करता है लेवल बढ़ने के बाद। सही है आज। ठीक है भाई हिटलर भी पालतू बन गया है अपना बड़ा वाला। और इसका हम नाम हिटलर नहीं रखेंगे, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे हिटलर नी। इसका इन्वेंट्री भी तो ऐसे एक्सेस होगी, तो सीढ़ी लगती होगी। तो भाई बस भैंसू ऐसा रहता है, सिंगल नल्ला और एक वो सुअर वायरस, बाकी सबके तो हो ही गए डबल डबल। हिटलर के भाई डबल हो गया, इतना बड़ा है भाई, इसका ढूंढना मुश्किल था हिटलर का। और क्या कहते हैं ये सुंडरा सुंडी, और ये हो गया अपना भैंसू, तो है बेचारा सिंगल। ये टैर और आतंक दोनों भाई डबल हो गए। और ये डेनाइसिस की तो बेचारे की जोनी भाई की खुई रही है। ये है टिंडसी और टिंडी, ये रही टिंडी। ओ भाई लोग यहाँ क्या क्या आ रहा है यार अपने घर के आसपास। भाई ये देखो सामने पता नहीं क्या है भाई, अलग सा डायनासोर है ऐसा, हाथ वाथ माता घूम रहा है ये। भाई ये क्या है यार, ये तो इधर उधर वैसे ही हाथ मार रहा है मजे में। क्या है भाई ये, लाइट सी जल रही है इसके ऊपर। ठीक है भाई लोग, तो कपड़े लते चेंज हो गए, फेस कैम वापस आ गया, क्योंकि ये है अगला दिन। तुम्हें लगता नहीं होगा इतनी मेहनत लगती है ऐसी 5-10 मिनट की वीडियो बनाने में, लेकिन बहुत बहुत लगती है। ठीक है 2 दिन तो आराम से बैठते हैं रिकॉर्डिंग के। ओए भाई लोग अभी अभी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है यार, यहाँ पे कहीं भी अपने घर के आसपास सुंडी नहीं दिख रहा। देखो मतलब सुंडी तो ये है, सुंडी नहीं दिख रहा, जो सुंडी जैसा ही था इसका मेल। ठीक है भाई लोग अभी ड्रॉप भी आ चुकी है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है भाई इसके अंदर वाटर जार का ब्लूप्रिंट है और ड्रॉप गायब। ठीक है भाई लोग, तो अभी क्या कहते हैं अपना जितना भी काम था यहाँ पे जरूरी काम, वो सारा हमने ख़त्म कर ही दिया है। और जितने भी अपने डायनासोर हैं उन्हें सारों को हमने खाना दे दिया। तो इस वाले डायनासोर को भाई हमने थोड़ी देर पहले पालतू बनाया था, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी दूर तक हमारे साथ जा सकता है एक ही बार में उड़ के। नहीं तो ये तो भाई बीच बीच में रुकना पड़ेगा इन्हें, डेनाइस को और भाई जोन को, या जोनसन ये डेनाइस। और भाई पता नहीं सुंडरी कहाँ चला गया, सुंडी तो है ही है लेकिन सुंडरी पता नहीं कहाँ गया। और भाई बाकी सारे डायनासोर को हम यहीं छोड़ रहे हैं, पहले वहाँ पर जाके छोटा सा बेस सेटअप कर लें, उसके बाद इन्हें लेके चलेंगे। जितनी भी जो भी चीज़ें थी वो सब हमने क्राफ्ट कर ली। तो भाई सवारी फ्लाइट के लिए एकदम तैयार है, सारा सामान ले लिया है हमने, अपने बेस पे जितना भी काम था वो सारा हमने ख़त्म कर दिया। वहाँ के लिए थोड़ा सामान भी ले लिया, जो मतलब हमें बनाने के लिए इनिशियल चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि मेटल की फाउंडेशन वगैरह और एक रिफाइनिंग फोर्ज, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। और ये एक तगड़ा सा उड़ने वाला जानवर भी हमने पालतू बना लिया, जिसके ऊपर भी हम बैठे हैं, जो कि एक बारी में इतनी दूर चला जाए, और मैप के हम काफ़ी दूर जाने वाले हैं कभी कभी दूसरे कोने पे। ठीक है भाई, तो वो जो दूर तुम्हें पहाड़ दिख रहे होंगे ना बड़े बड़े से वोल्केनो, वो देखो सामने एकदम वो हैं। अभी थोड़ा सा लैग आ रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया रेंडर हो रहा है इस टाइम, लेकिन भाई क्या लगता है यार मैप ऊपर से, ओ भाई मज़ा आ गया सीरियसली। खैर ये इतने हाई लेवल का डांस हो रहा है इसलिए हम इसके ऊपर इतना चल भी पा रहे हैं, नहीं तो भाई इतनी ऊपर नहीं जा पाते हम कम लेवल के डांस हो उस पर। भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार मैप ऊपर से इतनी दूर से यहाँ से। हाँ तो भाई लोग अभी एक छोटी सी गड़बड़ होगी, अभी भाई बारिश आ गई है तकड़ी करके, और दूर दूर का दिखना चाहिए था हमें लेकिन कुछ भी दिख रहा, तो थोड़ी देर में यही आराम करना पड़ेगा, बारिश के बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। भाई देखो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी यार उस टाइम की लाइफ, भाई मतलब बारिश आ गई तो कहीं निकल नहीं सकते हम बाहर, क्योंकि दूर दूर तक का दिखेगा नहीं, कहीं दूसरी जगह तो हम जा ही नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि भाई बिल्कुल डायरेक्शन भूल जाएंगे फिर हम, वो भी GPS होते हुए, जबकि उस पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं फिर भी। ठीक है भाई लोग, तो ये लोकेशन फाइनल हुई है अपने बेस बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी तोड़ फोड़ करके यहाँ पत्थर वत्थर हटाते हैं और काम शुरू करते हैं बेस बनाने का, क्योंकि बेस बनाने के सबसे जरूरी है यहाँ पत्थर सारे हटाना, भले इनसे कुछ मिले मेटल वेटल या ना मिले, लेकिन हटाना ही नहीं बहुत जरूरी है, जैसे ऊपर खाबड़ जगह में जहाँ पत्थर ही पत्थर हो वहाँ बेस नहीं बना सकते। और भाई लोग अभी हमने काफ़ी ज़्यादा शिकार भी कर लिया, तो शिकार करते करते मुझे ये चीज़ मिली, मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया ढंग से। ठीक है भाई लोग, तो ये चीज़ हमें मिली है शिकार करते करते, ये जो मेरा भाई हेलमेट था ना, मैं अपने सिर पे कपड़ा सामान देखता था, उसकी स्किन मिली है हमें डायनासोर जैसी दिखने वाली, तो ये काफ़ी सही चीज़ लग रही है मुझे। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे रखते हैं अपनी पहली फाउंडेशन, क्योंकि जहाँ पे हम पहली फाउंडेशन रखेंगे वही बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेगा आगे के लिए। ठीक है यहाँ पे आगे ज़्यादा स्लोप हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं रखने वाले, यहीं रखते हैं, वहाँ आगे तक अपना पूरा घर एक्सटेंड हो सकता है फ्यूचर में। ये पीछे वाली फाउंडेशन रहेगी, आगे की तरफ एंट्रेंस बनाएंगे
घर की। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने क्या है, अपने बेस की फाउंडेशन बना लिया। ये भाई पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये जितनी भी तुम जगह देख रहे हो ना, ये वाली जगह छोड़ दो बस, ये वाली जगह ठीक है। बाकी भाई पूरा भी जितना एरिया देख रहे हो तुम परे तक, भाई सारे में फैक्ट्री बनने वाली है, और फैक्ट्री का वो हिस्सा बनने वाला है जहाँ पे सामान पिघलता है, मतलब फौज जो होती है मेटल पिघलाने की, वो लगने वाली है सारी जगह पे। अभी क्या है भाई, आधा अधूरा घर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान ला नहीं सकता था वहाँ से, तो इसमें कुछ लिमिटेड सामान ही लाया हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा घर अपना आधा अधूरा है, लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द पूरा भी कर देंगे जैसे यहाँ पे काम शुरू होगा, क्योंकि भाई पूरी इंडस्ट्री बनने वाली है। सामने वो पहाड़ है जहाँ से हम काफ़ी सारे मेटल ला सकते हैं तोड़ तोड़ के। ठीक है, यहाँ पे वॉल खड़ी करते हैं, और भाई इतनी ऊंची बनती है वॉल, भाई मेटल की वॉल कुछ ज़्यादा ही ऊंची है सही है, और भाई अंदर से तो वॉल कुछ ऐसी दिखती है और बाहर से कुछ ऐसी है, ऐसा जैसे जंग लगे हुए मेटल की बनी हो, लेकिन कोई नहीं। ठीक है भाई लोग, तो अभी थोड़ी सी सीलिंग तो हमने प्लेस कर दी है, थोड़ी सी और करते हैं, ऐसे कूद कूद के करनी पड़ रही है भाई सीलिंग्स प्लेस। सीलिंग प्लेस कर दी हमने सारी की सारी, और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अपना घर, तुम्हें लग रहा होगा भाई कहाँ बवासीर बना दिया, लेकिन ये है सब कुछ सिस्टमेटिक, ये भी दिख नहीं रहा, बाद में दिखेगा जब बन जाएगा पूरा ढंग से। तो भाई लोग अभी क्या है, मुझे अपने घर के छतड़े के ऊपर जाने के लिए इस चिड़िया की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया। ठीक है भाई लोग, तो हम अभी यहाँ पे एक भट्टी रख देते हैं। वैसे तो मेरा इंडस्ट्रियल फोर्ज रखने का हिसाब किताब था यहाँ पे, भाई यहाँ से यहाँ तक काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल फोर्ज रख देता मैं, लेकिन अभी भाई दिक्कत ये होगी कि मैं इंडस्ट्रियल फोर्ज बना नहीं सकता, मुझे 80 लेवल चाहिए इंडस्ट्रियल फोर्ज बनाने के लिए, तो इसीलिए अभी इससे काम चलाना पड़ेगा नॉर्मल वाली रिफाइनिंग फोर्ज से। लेकिन जैसे ही मेरे पास 80 लेवल आ जाएगा, मैं भाई इसे तोड़ के और इंडस्ट्रियल फोर्ज बना दूंगा, लेकिन तब तक तो इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारा मेटल मिल रहा है, लेकिन भाई लोकेशन बहुत ख़तरनाक है, सही बता रहा हूँ, यहाँ से गिरे ना तो सीधा भाई गए काम से। मुझे भी पैराशूट भी नहीं यूज़ करना था, मैंने बना तो लिया लेकिन यूज़ नहीं करना था मेरे पे।